मोदी को हमला करना चाहिए, जल्दी जवाब करना चाहिए, नहीं तो हमारा खून खोल रहा, हमें भेज दो ना, वहाँ मार देंगे सालों कुछ आकर उन्हें तो। आप क्या देख रहे हैं जी, देश के युवा हैं, पाकिस्तान को तहस नहस कर देना चाहिए, मसूद अजहर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। मैं तो कहा लंडे उड़ा अपन मिलिट्री में हो, मगर भैया तो अपने घर भाग गया, हंडी मारो सड़ों को, पत्थर कैडे वाला होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर का मतलब है, टूटना फूटना जाए पत्थर, ऐसा जवाब होना चाहिए कि 7 पीढ़ियों तक याद रखे पाकिस्तान। इतने कम पंगे अगली पीढ़ी को भी कह के मरेंगे कि भारत के साथ गद्दारी ना करियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। देश पर एक बड़ा हमला हो गया, 40 जवानों की शहादत हो गई, शहीद हो गए देश पर, और अब कांग्रेस ने सवाल भी उठा दिए कि प्रधानमंत्री मोदी राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जब देश के जवान शहीद हो रहे थे तो वो फोटोग्राफी में लगे थे, ऐसे में देश की जनता हमारे साथ है कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और क्या पुलवामा अटैक के बाद अब एक बड़ा बदला होना चाहिए, और देरी भी उस बदले में अब होती जा रही है या बदला थोड़े से दिनों बाद होगा जरूर। जनता क्या समझते हैं उनसे बातचीत करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, आप क्या समझते हैं जी, 40 जवानों की शहादत हो गई, लगातार बातें बहुत हुई, मंच से बातें हुई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि बदला लिया जाएगा, और इस बार पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल कर दी, आपको क्या दिख रहा है? अटैक हो रहा, दो चौकी तबाह कर दी। अच्छा, हाँ आज तो शुरू होगा काम, बिल्कुल शुरू हो गया आज। इमरान खान ने भी अब तो चुनौती दे दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कि भाई अगर आप हमारे पे हमला करोगे तो हम भी आपको जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इतनी ताकत बची है कि जवाब दे पाएगा? भीख मांग रहे हो, क्या लड़ लेंगे, भीख मांगने के घर पे रहे हो, तो लड़ने की क्षमता नहीं हमारे, भुखमरी है, भुखमरी है। आप क्या देख रहे हैं जी, इस बार कैसा बदला होना चाहिए, और आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ इस बार पाकिस्तान को जवाब देंगे, क्योंकि एक हफ्ता तो लगभग अब हो ही गया? ऐसा जवाब होना चाहिए कि 7 पीढ़ियों तक याद रखे पाकिस्तान, ऐसा जवाब देना चाहिए मोदी को 7 पीढ़ियों तक। ये जो योजना निकाली है किसानों की, ये बंद करके सारा पैसा वहाँ लगा देना चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार है अपने बैंक अकाउंट से भी, पर जवाब तगड़ा होना चाहिए, जवाब तगड़ा होना चाहिए, किसान साथ है, वाकई बहुत बड़ी बात। आप क्या समझते हैं जी, पाकिस्तान उधर से धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने हमला बोला तो हम भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे, आपको क्या लगता है मोदी जवाब दे पाएंगे, और क्या राजधर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि मोदी तो उस दिन फोटो खिंचवा रहे थे जिस दिन शहादत हो रही थी। नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं घबराने का, पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं है, पाकिस्तान तो एक बस जरा सा ही हवा का झोंका है उसमें ही उड़ जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाने का, और 40 जवान शहीद हुए हैं, 40 के बदले 4,000 की कम से कम भी जो है सिर काटने चाहिए पाकिस्तान। 4,000 क्यों जी, 40 के बदले 4,000 की इस बार बारी है क्या? 4,000 की बारी होनी तो चाहिए, अगर मोदी तो ढील कर रहा है तो कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, कतई नहीं कुछ भी कर रहा है, इस पर छोर लग जाओ मोदी पर, हम सब मोदी का समर्थक हैं, अगर क्या कर दे जब आत्मा इतनी देहल मान रही पूछो ना बात, हमारे जवानों का सिर कटवा दिया और रोज अंगूरे दे रहा, क्यों करूँगा रो करूँगा, कुछ भी नहीं कर रहा। कल उनने क्या कहा प्रवेश मुजफ्फर ने, जो पहला वो था प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, उनने सीधम सीध कहा अगर तम हमारे दुश्मन हो और सेना हमारी दुश्मन है। अच्छा, तो मोदी को हमला करना चाहिए, जल्दी जवाब करना चाहिए, नहीं तो हमारा खून खोल रहा, हमें भेज दो ना, वहाँ मार देंगे सालों कुछ आकर उन्हें तो। वाकई ये गुस्सा किसानों का है, ग्रामीणों का है, क्योंकि लगातार देश शहादत है, तो आपको क्या लगता है मोदी देरी कर रहे हैं और जल्दी जल्दी हमला होना? देरी कर रहे हैं कांग्रेस, सही कह रही इस बात को, देरी कर रहे हैं वो हैं, तो हम मोदी के ये क्या कर रहे हैं, हम देहल मान रहे बहुत, इतनी देरी का मतलब इनका कुछ भी, वहाँ तो हो लेना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं जी, आपका क्या मानना है? मानना तो ये है जी, जनता का जो विश्वास जमा हुआ है मोदी पर, वो विश्वास खोना नहीं चाहिए सर, जनता के प्रति जनता के साथ रहना चाहिए, जनता उनके साथ है। हाँ, तो जवाब कैसा होना चाहिए, क्या देरी हो गई, क्या एक हफ्ता की थोड़ा सा रुक के देख के धैर्य से हमला होना चाहिए? भाई देखो, मैं जिम्मेदार हैं, देश के मालिक हैं, सोचना तो उन्हें पड़ेगा ही, बिल्कुल सोच समझ के कदम उठाओगे, ऐसा कदम भी नहीं उठाने का जिसका जनता नाराज हो, जनता को खुश तो बिल्कुल ही कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। वाकई आप क्या समझ रहे हैं जी,
आपने तो जैकेट पूरी डांट रखी है, इस समय देश दुख में है, आपको क्या नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रही है कांग्रेस कि भाई हंस रहे हैं आप तो प्रिंस के साथ, आप तो विदेश जा रहे हैं, आप तो फोटो खिंचवा रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए आप इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये बात सच्चाई है कि बहुत लेट हो रहे, देश का जो जनता है उनका खून उबल रहा है, अब तो मोदी को बगैर देर करे एकदम हमला कर देना चाहिए और जो पाकिस्तान है इसका बिल्कुल ही नक्शा ख़त्म हो जाना चाहिए, अगली कभी भी कोई ऐसा हो ना हो। एक दूसरी बात ये है, धारा 70 हटाने का, धारा 370 जो कश्मीर में है वो हटाने का अब बहुत बढ़िया मौका है। अब सभी जितनी पार्टी हैं सब मोदी जी के साथ हैं, सब सरकार के साथ हैं। कहाँ साथ हैं, अब तो राजनीति इस मुद्दे पे शुरू हो गई। कांग्रेस ने कह दिया कि फोटो खिंचाने में बिजी रहे प्रधानमंत्री, और वो हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, गले मिल रहे हैं दूसरों के, उन्हें अपने देश की शहादत नहीं दिख रही। हाँ, अगर देर होगी तो लोग तो दूसरी पार्टी तो ऑब्जेक्शन उठाएंगी, लेट लग रही है, कारण लेट ना करना चाहिए, बहुत जल्दी हमला हो जाना चाहिए और इतना जबरदस्त हमला होना चाहिए कि पाकिस्तान को होश ही ना आवे। हाँ, होश ही ना आनी चाहिए उसे और बिल्कुल नक्शा साफ हो जाना चाहिए उसका दुनिया के उस पे से। हमला कर रहे हैं ये हमारे वाले क्यों नहीं करते? वो तो बिना पूछो उसे तो किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती दुनिया में, और हमारे वाले हमारी इजाजत लेनी पड़ेगी, ऐसा क्यों है यू? वाकई वाकई ईंट का जवाब पत्थर से, गेल क्यों नहीं दिया जाता जवाब? हमला शुरू कर जवानों का सिर कटवा रहे वहाँ, मंदे मंदे। वाकई ये गुस्सा है, आप बताइए क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए? पत्थर से दो तो पत्थर कैसा होना चाहिए इस बार? पत्थर करने वाला होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर का मतलब है टूटना फूटना जाए पत्थर, उसका जवाब हमेशा पत्थर से दो। लग रहा है मोदी जी दे देंगे जवाब, क्योंकि 7 दिन तो हो गए, मुश्किल मुश्किल लग रहा है, मुश्किल दिखना चाहिए कि हमारा भारत देश कैसा है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे जो मर रहे हैं, इंडिया खत्म हो जाएगी भैया जी। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया था, आप बताइए क्या होना चाहिए, कैसा जवाब होना चाहिए? जवाब जोरदार होना चाहिए, पाकिस्तान को दिखना चाहिए कि तुम जो हमला करो इन पे कि ये कैसा जवाब तुम्हें दे सका, बिल्कुल नामो निशान मिटा दो पाकिस्तान का, बिल्कुल खत्म कर दो, खत्म कर दो कतई बिल्कुल पाकिस्तान को बस। क्या मोदी जी राजधर्म का पालन नहीं निभा रहे क्या? कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप बाबू जी क्या देख रहे हैं, निभा रहे हैं मोदी जी की नहीं निभा रहे? हमारी खाड़ी में भेज दे, यहाँ हम टापेंगे उसे, हम तो कहा मिलिट्री में हो मगा भैया तो अपने घर भाग गया, हंडी मारो सड़ो को, मतलब आपने अपने लड़के को कह दिया तो घर आ जाए या तोड़ दो जी भी कोई लड़ता नहीं। अच्छा हाँ जी भी नहीं लड़ो, सब लोग ला रहे जी भी हमारे मार दिए हम भी मारेंगे। अच्छा जी भी मार ही नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, पर फिर घर आ जाए अपने, या आपने कह दिया? हाँ लड़ो नहीं सड़ो को ला रहे मरो और मारो, लेकिन मोदी जी आदेश देंगे तभी तो चलेगी आर्मी भी। हाँ हम तो हर किस्म का तैयार हैं, बिल्कुल सही कहा। मोदी जी को आदेश दे देना चाहिए कि हमला चालू करो। हाँ क्या देख रहे हैं जी, देश के युवा हैं, पाकिस्तान को तहस नहस कर देना चाहिए, मसूद अजहर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, जब जाके शांति मिलेगी मन को जी हजूर, मसूद अजहर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे कतई सारे के। वाकई ये गुस्सा है, आप क्या कहेंगे जी, आपका तो चेहरा बहुत लाल हो रहा है, ऐसा क्यों? जो ये पाकिस्तान पे लाल है कि भारत पे ही? भाई तो सब पे है, देखो जी मोदी अकेले कुछ नहीं कर सकते, सारी पार्टी इकट्ठी होकर के अगर सारी व्यवस्था को अपनाएंगी जब ये होगा, मतलब पार्टी तो सारी एक है और अब तो एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं ना सब, ये सारी बहुत बड़ी व्यवस्था है, व्यवस्था के हिसाब से चलेगा, अब ऐसे थोड़ा होगा भाई मोदी ने कह दिया कि लड़ लो जाके, ऐसा नहीं होनेगा, मतलब सारी व्यवस्था को लेकर के जब भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। वाकई। और अब हम बैठे हैं देश के पूर्व फौजी के साथ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय हिंद। जय हिंद। अब क्या दिख रहा है जी, आप तो क्योंकि आर्मी में रहे हैं, वो चीजें आपने बहुत नजदीक से देख ली कि कैसे क्या था, किस तरह से आपके सामने भी कई जवानों की शहादत हुई होगी, क्या करना चाहिए मोदी को? ये तो ये होना चाहिए, एक बात तो यह है, अब जो ये घटना हुई है उनकी सिक्योरिटी लूज थी। अच्छा, उनकी सिक्योरिटी जो लूज थी, जो हम तक चले हैं तो उन्हीं में तो ऐसा था जो उनसे मिले आता हो अगर वादी होता है, अन्य किसी को पता नहीं लगता ना कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, अभी जितना भी आ रहा वो मोदी के पीछे आ रहा जितना भी आ रहा। अब बदला कैसा होना चाहिए? बदला तो ये होना चाहिए, अरुण ने सुनो उन्होंने जो है ये भी आदेश कर दिया
आर्मी को ये सौंप दिया भाई अपने हिसाब से आप चलो और बदला जरूर लो। लेकिन इतना है इब तो ये जो सीआरपी वाले बेसपा वाले वहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ेंगे तो जरूर ही हैं, ऐसी बात कुछ नहीं है लड़ने के नहीं है, लेकिन ये भीतर बढ़ कर लड़ेंगे वहाँ से अंदर जाके हमला अंदर जाके मारेंगे ही ना। अच्छा आर्मी वाले जो है अंदर घुस कर जो है आर्मी में कई किस्म के हों, एक जो कमांडो है वह सब तो तेज हो, हम भी आर्मी वो हमारे सब तेज हैं, तो कुछ दिन के बाद में जो हफ्ता लग जो है 10 दिन लग जो हमला होगा ऐसा होगा जिससे जो है वह कांप जाएंगे, वह इस बार कांप जाएंगे। क्यों जी इस बार कांप जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल कंपेंगे, इतने कंपेंगे कि वह अगली पीढ़ी को भी कह के मरेंगे कि भारत के साथ गद्दारी ना करियो। अच्छा आने वाली पीढ़ी को भी? हाँ आने वाली पीढ़ी को भी कहेंगे, लेकिन थोड़ी देर हो रही, वो जिस तरह कह देना देर आए दुरुस्त आए वो बहुत होगा। वाकई क्यों जी देर आए तो दुरुस्त आए? जी जी हमला कैसा होना चाहिए? हमला ऐसा होना चाहिए कि जो पाकिस्तान जब तक रहेगा जब तक थर थर इंडिया से कांपे। वाकई तो जनता बहुत गुस्से में है। और आखिरी कमेंट ले लेते हैं क्यों जी? जी देर आए दुरुस्त आए, आएंगे भी कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, और पाकिस्तान से बिल्कुल पाकिस्तान का तो नक्शा ही गायब हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। 7 दिन हो गए इंतजार करते करते? नहीं अब जल्दी होगा। पत्थरबाज जो है सबसे बड़ी घटना हमारे कश्मीर में जो है, जो पत्थरबाज हैं और जो इनके जो नेता हैं हुर्रियत के हैं उनको जवाब देना सरकार है तो उनका उन्हें बिल्कुल चौराहे पर को इसलिए तो लाया था देश कि भाई जो और नहीं कर सकता मोदी जी कर देंगे। हाँ। पाकिस्तान को उसी के जवाब में भाषा में जवाब देंगे। हुर्रियत नेता जो है 25 है वे 25 के 25 को चौराहे पर खड़े करके गोली से उड़ा देना चाहिए उन्हें, और जितने भी पत्थरबाज हैं उनका सीधी गोली का ऑर्डर तो मिल जाना चाहिए। सोल्यूशन होना चाहिए सर, जो ये पत्थरबाज है इसका सोल्यूशन होना चाहिए इनका, तो मोदी सरकार का है कि सीधी गोली मार दो, जो ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। तेरे हथियार दे रहे हैं, हम मारेंगे साड़ों को फाड़ी होता है काट देंगे हैं, हमारा हथियार बतेरे दे रहे हम लड़ेंगे साड़ों को ला रहे जी। तो गुस्सा लगा था। हाँ जी हाँ बताओ। इमरान और परवेज मुशर्रफ कश्मीर के लड़कों को अपने बच्चे बता रहे और उन्हों कह रहे कि हमारे बच्चे को तुम मारोगे और थारी सेना को हम मारेंगे, क्या मोदी को नहीं सुनता? यो भाषण मोदी को नहीं सुनता क्या? मातरम मातरम मातरम, हमारी आवाज मोदी तक जानी चाहिए। कही जाएगी जी। हाँ एक जब तक धारा 370 नहीं हटेगी जब तक तो मोदी जी ने वादा किया था हटाई नहीं, 5 साल हो गए। अब जो है अब मौका है, अब सभी जितने विपक्ष है मैं उनसे निवेदन करता हूँ सारे इकट्ठे हुए का एक मत से इसे जो है हटा दिया जाए। वाकई सवाल यही है कि इस बार बदला कैसा होगा, राजधर्म की बात पर भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया, जनता है बेबाक बोलती है, गुस्सा इस बार ज्यादा है। आप क्या समझते हैं अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।